हे एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। अब इस वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हम अपने प्रोडक्ट चेंज करेंगे बेसिकली। सो लेट्स मूव टू अवर डैशबोर्ड। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक वू कॉमर्स ऑप्शन है। अब वू कॉमर्स में आकर यहाँ पर आप अपना ऑर्डर्स, कस्टमर, कूपन, रिपोर्ट, सेटिंग सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार देखो आप लोग कूपन अप्लाई करते हो राइट, जो आपको वेबसाइट देता है। अब यहाँ पर अगर आप एक कूपन क्रिएट कर सकते हैं, देखिए एड कूपन आ रहा है, फिर आप क्रिएट योर फर्स्ट कूपन। तो अगर मैं यहाँ पे क्रिएट योर कूपन करूँ, ठीक है, फिक्स्ड कार डिस्काउंट या फिर परसेंटेज डिस्काउंट या फिर फिक्स पर डिस्काउंट, ठीक है, तो फिक्स कार डिस्काउंट देता हूँ मैं, कूपन अमाउंट समझ लो मैं दे देता हूँ यहाँ पर 100। ठीक है, अब इसके बाद अलाउ फ्री शिपिंग यहाँ पे दे देता हूँ मैं, कूपन एक्सपायर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा हमें। तो आज बेसिकली डेट है 18, तो मैं इसको समझ लो दे देता हूँ 20 का। ठीक है, अब इसे अगर मैं करें पब्लिश, और यहाँ पे देखिए लिख रहा है कूपन कोड। अब यहाँ पे हम एक कूपन कोड ऐड कर सकते हैं या फिर जनरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं जनरेट, तो यहाँ पे देखिए कूपन कोड जनरेट हो गया। ठीक है, हम इसे कर लेते हैं कॉपी, काम आएगा हमारे लिए, नहीं तो हम यहाँ पे रख भी सकते हैं। जैसे कि मैं रख लेता हूँ यहाँ पर डेमो, सॉरी CoupoN, ठीक है, डेमो कूपन यहाँ पे रख लेता हूँ। एडिशनल यहाँ पे कुछ भी रहने देते हम लोग, यूजर रिस्ट्रिक्शन देख लेते हैं हम लोग, मैक्सिमम स्पेंड, मिनिमम स्पेंड 1 रहेगा, मैक्सिमम स्पेंड भी 1 ही रहेगा, इंडिविजुअल यूज ओनली रहेगा, देन ठीक है, बाकी कुछ जरूरत नहीं हमें। यूसेज लिमिट यहाँ पर दिया है, लाइक पर कूपन कितना यूसेज हो सकता है, तो इसे फिर रहने थे हम लोग और कर लेते पब्लिश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने कूपन बना लिया डेमो कूपन करके। अब यहाँ पे देखिए कूपन अमाउंट यहाँ पे 100 दिया गया है। अगर मैं इसको कहीं यूज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पर इसका जो ये है, ठीक है, अगर मैं इस पर यहाँ पे कूपन अप्लाई करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे पहले हम यहाँ से कार्ड में आते हैं। ठीक है, कार्ड में गए हम लोग। अगर अब मैं कार्ड में जाऊँ, जस्ट अ मिनट, ये रहा कार्ड हमारा, व्यू कार्ड कर लूँ। अब अगर यहाँ पे देखिए अप्लाई कूपन करके आ रहा है, तो अगर मैं इसका टोटल अमाउंट देखो 238 है, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ कूपन जो कि हमारा डेमो CoupoN, अगर मैं पकड़ लूँ अप्लाई कूपन, तो जस्ट अ मिनट, कूपन कोड हमारा शायद से अप्लाई नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिखा है द मैक्सिमम स्पेंड फॉर दिस कूपन इज $1। ओके, तो हमें यहाँ पे इसका चेंज करना पड़ेगा, इसे यहाँ से बंद कर लेते हैं, अब कर लेते हैं अपडेट। अच्छा, हमने यहाँ पे लाइक वैल्यू रख दी थी 1। अगर अब मैं यहाँ पर इसे अप्लाई करने की कोशिश करूँ, तो ये देखो कूपन अप्लाई सक्सेसफुली। यहाँ देखिए हमारा 238 का था, यहाँ पे देखिए 100 रुपीज़ का कूपन मिल गया हमारे यूजर्स को। ठीक है, अब ये टोटल देखिए 238 में था, अभी हमको 138 में मिल रहा है। तो ऐसे आप कूपन भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसे देखते हैं हम और क्या क्या कर सकते हैं। वू कॉमर्स में जाएंगे हम, इसके बाद अगर मैं वू कॉमर्स पे होवर करूँ, यहाँ पे देखिए ऑर्डर करके आया, तो यहाँ से आप ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं बेसिकली। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो आपके वेबसाइट में जितने भी ऑर्डर्स रहेंगे आप यहाँ पे देखिए सब ट्रैक कर सकते हैं। ये रहा एड ऑर्डर्स, ठीक है, फिलहाल ये ऑर्डर्स यूजर से आएंगे तो आप जरूरत नहीं हमें। फिर यहाँ पे कस्टमर्स के बारे में पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, कितने कस्टमर्स आपके हैं, लाइक जो भी लोग लॉग इन यहाँ पे करेंगे या फिर रहेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे कूपन्स हो गया, फिर यहाँ पे आ गया रिपोर्ट्स, लाइक किसी ने अगर हम लोग रिपोर्ट किया होगा आपको किसी चीज़ के लिए, ये देखिए यहाँ पे आपको सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ नहीं क्योंकि हमारा एक भी कस्टमर्स नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखिए सेटिंग्स, स्टेटस, एक्सटेंशन, लाइक आपको और भी चीज़ें मिल जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट, अब हमारा जो काम है बेसिकली वो है प्रोडक्ट का। ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये रहा प्रोडक्ट। अब हम जो हमारा काम करेंगे वो करेंगे प्रोडक्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये रहा प्रोडक्ट, यहीं पे देखिए सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो हमने इसको ऑल ऑर्डर वेबसाइट रखा है। ठीक है, तो लेट्स मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर यूजर्स। हम इसमें आप ऐड करेंगे हमारे लिए बेसिकली क्या कहते हैं उसे, लाइक शर्ट्स, टी शर्ट्स, शूज। ठीक है, सो लेट्स मूव टू फ्लिपकार्ट। हम फ्लिपकार्ट से चीज़ें लाइक कॉपी पेस्ट कर लेंगे ताकि हमें एडिटिंग पार्ट ईजी हो जाए। सो लेट्स ऐड सम शूज़। ठीक है, हम शूज़ रख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, ये रहा शूज़। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम कर लेंगे ऐड न्यू। अब एक न्यू प्रोडक्ट में बनाना चाहूँगा, प्रोडक्ट का नाम देना चाहूँगा, तो लेट्स यहाँ से एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जस्ट अ मिनट, लोड हो रहा है थोड़ा सा, ये लेट्स वेट फॉर सम सेकंड्स, मेरा नेट स्लो है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे शूज़ देखने मिल जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, लेट्स ऐड सम शूज़। ठीक है, इन अवर वेबसाइट्स,
अब यहाँ पे देखिए फोटो, यहाँ से हम उसका फोटो ले लेते हैं बेसिकली। एक मिनट, इसे कर लेंगे हम सेव इमेज, कर लिया। अब यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं हम लोग, इसका नाम है कैजुअल फॉर्म एंड मल्टी कलर्स, ये रहा। इसके बाद यहाँ पे इसकी डिटेल्स देखते हैं हम फटाफट, एक मिनट, हो गया। अब यहाँ जब नीचे आएंगे तो देखो आपको और भी चीज़ें देखने मिल जा रही है। तो लेट्स एड सम इमेजेस। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सेट प्रोडक्ट इमेज, तो यहाँ पे हमको एक इमेज डालना है जो हमारे शू का इमेज होगा, ठीक है। सो लेट्स गो टू अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल्स, ये हमारा इमेज है, इसे कर लेते हैं ओपन, और इसे कर लेंगे हम सेट प्रोडक्ट इमेज, ठीक है, ये कर लिया। अब और चीज़ें क्या है यहाँ पर, रेगुलर प्राइस क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप चाहे तो सेल प्राइस रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो रेगुलर प्राइस समझ लो जो मैं इसका रख देता हूँ $50, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे देखिए यहाँ पे डॉलर में ऑप्शन है, आप ये चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं, कैसे मैं बताता हूँ। देन हम यहाँ पे सेल प्राइस रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल $45, यू नो। देन इसके नीचे और भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देने बोल रहा है, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट टैग लिखने बोल रहा है, तो यहाँ पे टैग्स हम लिख लेंगे शूज, ठीक है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे आस्था सेटिंग्स है, लाइक आपको चीज़ें करनी है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैटेगरीज है, तो यहाँ पे कैटेगरी में कैक्टस और प्लांट्स है, तो हम एक न्यू कैटेगरी ऐड करेंगे जो कि होगा शूज, ठीक है। तो यहाँ देखिए शूज टैग हो गया, लाइक ऐड हो गया। अब इसे कर लेंगे हम यहाँ से अपडेट पब्लिश, मतलब ठीक है। अब इसे पब्लिश करने के बाद, अब यहाँ पे आने के बाद मैं जिस जिस यू नो प्रोडक्ट को चाहता हूँ कि वो सबसे पहले रैंक करे, मैं यहाँ पर अगर इसे स्टार क्लिक कर दूँ, ठीक है। तब देखिए मैंने यहाँ पे इसे स्टार क्लिक कर दिया। एंड नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर अगर इसे देखूँ तो ये देखिए यहाँ मेरा जो प्रोडक्ट था, ये देखो कैजुअल फॉर मैन मल्टी कलर यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ से इसे बंद कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसे बंद कर दूँ जस्ट अ मिनट, तो ये जो अगर मैं ऐसे स्टार हटा दूँ तो मुझे यहाँ से ये चीज़ें दिखनी बंद हो जाएंगी। इसे अगर मैं रिफ्रेश करूँ आप तो देखना अब ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ ये लाइक प्लांस ही प्लांस है, ठीक है। सो इसी तरह से आप एडिट कर सकते हैं आपके फीचर्ड प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे होंगे, और आप इनको भी यू नो ऐड और यू नो चीज़ें कर सकते हैं। तो हम सब देखेंगे कि हम कैसे करने वाले, ठीक है। सो लेट्स ऐड सम शूज एंड सम टी शर्ट्स। तो मैं अभी चार शूज और चार टी शर्ट्स ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। अब हमने अपने वेबसाइट में चार टी शर्ट्स और चार शूज ऐड कर दिए, ठीक है। अब मैंने बेसिकली यहाँ पे एक डेमो के लिए यू नो खाली कॉपी कॉपी किया है, बट आप एक अच्छे से और यू नो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट डाल देना अपने वेबसाइट्स में। सो लेट्स मूव फर्दर। अब हमारे वेबसाइट को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास शूज़ और ये सब यू नो कंपोनेंट्स ऐड हुए हैं, और हमारे यूजर्स को कैसे पता चलेगा कि हमारे पास शूज़ और यू नो टी शर्ट्स भी हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स और कैक्टस ही हैं, तो इसका मतलब है कि हमें अभी अगर ध्यान से देखो तो ये प्लांट और कैक्टस क्या है, ये कैटेगरी है जो हमने प्रोडक्ट में रखा था, तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट में कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पे अपीरेंस में, अपीरेंस में जाएंगे हम मेन्यूज, ठीक है। तो मेन्यू में जाकर हम यहाँ पे मेन्यू मतलब अपना एडिट कर लेंगे, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब यहाँ देखिए यहाँ पे मुझे मेरी मेन्यू आ रही है, अगर आपको ये चीज़ ना दिखे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है, जस्ट अ मिनट, ये देखिए सिलेक्ट अ मेन्यू टू एडिट, तो यहाँ पे क्लिक कर लेना, और यहाँ पे जो आपको एडिट करना है वो है क्विक मेन्यू प्राइमरी मेन्यू, ठीक है। इस पर सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर लो, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको ये मेन्यू यहाँ पर दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लांट्स और कैक्टस यहाँ पे सब डोमेन में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैटेगरी में जाएंगे आप, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस नहीं मिलने वाला, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा कस्टमाइज में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आया कस्टमाइज। अब कस्टमाइज में जाने के बाद हमें क्या करना है, अब इसे यहाँ पे ओपन होने दे, इसे ओपन होने के बाद जस्ट मैंने छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप जब इसमें एकदम यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको मेन्यू साइड एनालिटी के नीचे, तो मेन्यू पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे मेन मेन्यू क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ आपको आपके मेन्यू दिख रही है, अब यहाँ ऑप्शन है देखिए ऐड आइटम, तो ऐड आइटम पे क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमको यहाँ पे जाना है, ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी, ये रहा दिख रही है प्रोडक्ट कैटेगरी, इसको ओपन करते हैं। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है कैक्टस प्लांट, अब यहाँ पे हम शर्ट और शूज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसे हम इसके नीचे रखेंगे, जस्ट अ मिनट, और इसको इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर, और ये इसे इसके नीचे हो गया। अब इसे कर लेते हैं हम पब्लिश। अब अगर देखिए इसके देखिए अब इसके नीचे अंदर देखिए अब शर्ट सॉरी टी शर्ट शूज प्लांट्स और कैक्टस आ रहा है। सो दैट्स इट। इसी की तरह हमने अगर यहाँ पर अगर आएंगे उसे रिफ्रेश कर लेंगे तो हमने अपने वेबसाइट में डेमो यू नो लाइक मतलब फिलहाल अभी डेमो है बट आप ओरिजिनल ला लेना, तो हमने अपने वेबसाइट में देखा कि कैसे हम अलग अलग प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, उनकी प्राइसिंग दे सकते हैं, और कैसे उनके फोटोज ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
और उनको कैसे अपने वेबसाइट में हम शो भी कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको आपको सारे जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, अगर मैं शूज़ में जाऊँ तो यहाँ मुझे शूज़ दिखाई देंगे सारे। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास दो शूज़ हैं फिलहाल, ये सॉरी तीन, हाँ ठीक है, ये रहा तीन शूज़। अभी मैंने लोग के प्राइस रखे नहीं है, तो मतलब ये बेसिकली फ्री में है अगर देखा जाए तो, बट आप लोग इनके प्राइस रख लेना। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है कैक्टस 6, प्लांट 6 है, शूज़ 3 है, टी शर्ट 4 है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये देखिए यहाँ पे सेल्स भी बता रहा है कि देखिए इसमें लाइक कितने ज़्यादा सेल है यहाँ पे, ये देखिए। और मैंने बता दिया कि आपको आप सेल कैसे अप्लाई करते हैं और आप कूपन कैसे अप्लाई करते हैं। सो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।